फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल। आज मैं आपको IRCTC में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और टिकट्स कैसे बुक करना है वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। IRCTC के अलावा काफ़ी सारा मैंने वीडियोस अपलोड किया है जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि पैन कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना, वो सारी डिटेल्स। सो आज हम देखेंगे IRCTC। और दूसरा, आप IRCTC के अलावा पेटीएम से भी रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो और बड़ी बड़ी लाइनों से अभी छुटकारा पाओ और घर बैठे रेलवे का कंफर्म बुकिंग करो। ये सबसे इजी वे है। सो एक गूगल में आप IRCTC टाइप करोगे तो आपको ये URL आएगा। तो आपको सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ये रजिस्ट्रेशन पेज आएगा तो यहाँ आपको एक यूनिक आईडी देना है, उसके बाद उसका पासवर्ड देना है। जब आप लॉगिंग करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके ये सिक्योरिटी आंसर, कभी आपका पासवर्ड मिसप्लेस हुआ या आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तब आपको जब पासवर्ड रीसेट करोगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आपको जो आपने सिक्योरिटी आंसर दिया है वो यहाँ टाइप करना पड़ेगा, जो आपको याद रखना है। सर, ये आपका ये नेम डिटेल्स, ये सब डिटेल्स फिल करो, डेट ऑफ बर्थ, और यह आपको आपका पिन कोड, स्टेट, फ़ोन नंबर आपको सही देना है, आपको ईमेल एड्रेस सही देना है, क्योंकि आप जो बुकिंग करोगे उसका मैसेज और ईमेल आईडी आपको ये मेल या मैसेज आएगा। तो प्लीज़ ये ध्यान रखो और प्रॉपर फिल करो, और उसके बाद आपको यह सबमिट करना है, सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बस हो गया आपका अकाउंट क्रिएट। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बनाया है, इसलिए मैं ये सब फील नहीं करूँगा। तो आप यहाँ आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ यूज़र आईडी डालो या पासवर्ड डालो, यहाँ कैप्चा फिल करना है। ये जो नीचे आए हैं 4 नंबर वर्ड कैरेक्टर आपको फिल करना है। तो मैं @ ये हो गया मेरा लॉगिन। लॉगिन होने के बाद, सॉरी एक मिनट, शायद वो कैप्चा गलत हुआ था। तो ये हो गया मेरा लॉगिन। ये अब मैं IRCTC के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ से आप आपका बुकिंग कर सकते हो, जैसा फ्रॉम स्टेशन आपको डालना है, टू स्टेशन डालना है, और या जर्नी डेट डालना है। एक मिनट, ये मैंने फ्रॉम स्टेशन डाला, बांद्रा टर्मिनल। ये शॉर्टकट जो वर्ड है ये आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे बांद्रा टर्मिनल को BDTS बोला जाता है, दिल्ली को DLI बोला जाता है। ये डेट मैंने डाला, जर्नी डेट, और यहाँ आपको सबमिट करना है। इस सबमिट करने के बाद आप ये वाले पेज पे आओगे जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो, और यहाँ सारी ये स्लीपर, एक मिनट, ये सीट का डिटेल है, स्लीपर कोच है, 3 टायर AC, 2 टायर AC। ये ट्रेन का शेड्यूल मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अभी कोई भी एक ले लो, ये स्लीपर क्लास का अगर आपको बुकिंग करना है तो यहाँ आपको सब दिखेगा, आपके डेट को टिकट अवेलेबल है नहीं है, ये सब। अभी तक देखो ये पूरा वेटिंग लिस्ट दिख रहा है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में भी टिकट बुकिंग करना है तो यहाँ बुकिंग, बुक नाउ पे क्लिक करो। ये आपका, यह रेड कलर में सबका मीनिंग दिया हुआ है। अगर RAC है तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट का, ये सब यहाँ दिया है। अभी आपको टिकट बुक करना है तो यहाँ आप बुकिंग पे क्लिक करो। एक मिनट, नेक्स्ट पेज में आपको पैसेंजर का सब डिटेल्स डालना है, और उसके बाद नीचे आके आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आप पेमेंट करने वाले पेज पे जाओगे। आपको पेमेंट करने के बाद यह जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान से याद रखो, जिस जो बुकिंग कर रहा है, जिसको मैसेज चाहिए वो नंबर यहाँ डालना है। ये मोबाइल नंबर पे आपको टिकट का मैसेज आएगा। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद माय ट्रांजैक्शन में बुक्ड माय हिस्ट्री, यहाँ आपको आपका बुकिंग किया हुआ टिकट्स दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब।